अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम फैसल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिकेट डायरी। तो व्यूअर्स, आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के मबैन सेकेंड वनडे इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका में हो रहा है। तो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट बैटिंग थी तो उन्होंने 118 रन किए और पूरी टीम आउट हो गई। तो इसमें आमला ने 23 स्कोर किए हैं 32 बॉलों पर और उनको भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया है। डीकॉक 20 रन बनाए 36 बॉलों पर, उनको चहल ने आउट किया। मरकरम 8 स्कोर किए और डुमनी ने 25 स्कोर किए। मिलर 0 पे आउट हुए। जोंडो 25 स्कोर किए 45 गेंदों पर और उनको भी चहल ने आउट किया। क्रिस मॉरिस ने 14 स्कोर किए 10 बॉलों पर और उनको भी चहल ने आउट किया है। तो वियोर्स, चहल ने आज 5 विकेट हासिल की हैं और मेडन 5 विकेट हॉल, आज उन्होंने अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग की है। तो उसके बाद रबादा आ जाता है, उन्होंने 1 रन किया है 5 बॉलों पर। उनको कुलदीप ने आउट किया है। मोरकल ने 1 स्कोर किया है 4 बॉलों पर। इस तरह ताहिर ने भी सिफर किया है उनको, बुमराह ने बोल्ड किया है। तो इस तरह मिल मिला के साउथ अफ्रीका की पूरी टीम ने 118 रन स्कोर किए हैं 32.2 ओवर्स में। तो व्यूज, एक और आपको इन्फॉर्म करते हैं कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट हिस्ट्री में ये सबसे लोएस्ट स्कोर है 118। तो इससे पहले 119 पे ऑल आउट हुई थी साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। तो उसके बाद 125 पे भी इंडिया के ख़िलाफ़ में वो आउट हो चुकी है। तो 118 पे आज वो आउट हो गई है साउथ अफ्रीका की टीम। तो अब इंडिया को 119 स्कोर करना है 50 ओवर में। इस तरह इंडिया ने 118 का दफ आराम से हासिल कर लिया। 19 ओवरों में 119 का दफ आराम से इंडिया ने हासिल कर लिया और इंडिया ने 9 विकेटों से ये मैच जीत लिया। शेखर धवन ने 51 रन किए और जिसमें 9 फोर्स शेखर धवन के हिस्से में आए और विराट कोहली ने 44 रन बनाए और एक छक्का लगाया और 4 फोर। इस तरह से इंडिया को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मोर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। मैं था मियां फैसल और आप देख रहे थे क्रिकेट डायरी चैनल। थैंक यू।